हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपनों के संग फेस्टिवल सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक गंभीर मुद्दा पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये फेस्टिवल सीजन में सर कौन गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हाँ बच्चों, आप लोगों में से ही एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, एग्जाम का भी फेज चल रहा है, तो इस सिचुएशन में फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए या फिर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो बच्चों, यहां पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा हट करके है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि छठ जो होता है वो हम बिहारियों के लिए इमोशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ये इमोशन ही है। आप दिवाली और छठ जैसे फेस्टिवल को अपनों के संग ही सेलिब्रेट करो और देखो कि जब सब आप सभी लोग एक साथ हो तो किस तरह का खुशी का माहौल है, और उस खुशी में भी आपको लगेगा कि हमारा भागीदारी क्या होगा। तो आपका भागीदारी क्या होगा बच्चों, कि जब आप फेस्टिवल को एंजॉय करके आओगे तो आपको इस तरह से मेहनत करना है, इस तरह से प्रिपरेशन करना है कि आने वाला जो दिवाली और छठ होगा ना, उसका खुशी चार गुना हो जाएगा, दुगुना नहीं चार गुना हो जाएगा। और ये बच्चों तभी होगा जब आप अपनों को समझ पाओगे। जैसे फोन हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, देखते हैं कई बार क्या होता है कि अचानक से चलते चलते हैंग करने लगता है, उसका सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर रिफ्रेश कर देते हैं, तो इससे क्या होता है वो कंप्यूटर सिस्टम बहुत अच्छा चलने लगता है। तो छठ और दिवाली उसी तरह का फेस्टिवल है बच्चों, जो हम लोगों को रिफ्रेश करता है। कई बार जब हम लोग लगातार पढ़ते पढ़ते, लगातार बहुत सारे दिनों से काम को करते करते ऊब चुके होते हैं, तो उसमें दिवाली हमारे काम, हमारा जो दिवाली और छठ है वो हमारे वजह को बताता है। वो बताता है कि आपको सफल होना क्यों जरूरी है, क्यों आपको अपनों के लिए जीना है। तो बच्चों, आपको मेहनत करना है, आपको काम करना है, लेकिन इन दोनों आप बेतरीका खुल करके जियो, खुल करके एंजॉय करो। फिर मिलेंगे हम लोग, लेकिन हाँ, जहां से फिर फेस्टिवल खत्म होगा उसके बाद आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे फेस्टिवल खत्म होगा हम लोग फिर से आएंगे, फिर से शुरुआत करेंगे और अगला 3-4 मंथ जो भी बचा हुआ है एग्जाम के लिए उसमें रगड़ करके तैयारी करेंगे और जीतेंगे। चलिए ठीक है, लास्ट में फिर आप लोग को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनों के संग पूरा एंजॉय करो। थैंक यू।